सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। सभी कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे। अभी नीट का आंसर की और OMR शीट दोनों रिलीज हो चुके हैं और मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि सर, जो आंसर की है हमारी और जो OMR शीट है, जो हमने रियल में उसके अंदर रोल नंबर अपना डाला था, वो उस पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब वो अपना रोल नंबर साइट पर डालते हैं तो OMR शीट जो निकल के आती है उस पे उनका रोल नंबर वो गलत डिस्प्ले होता है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओवर राइटिंग होती है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये कैसे हुआ? अब क्वेश्चन ये उठता है, कुछ बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी ये बच्चों ने ही कर दिया। अरे बेवकूफ, एक चीज बताओ, चलो बच्चों ने कर दिया, रोल नंबर अपना चेंज कर दिया बच्चों ने, तो मुझे ये बताओ सिस्टम जो कंप्यूटर है उनका, वो उस गलत रोल नंबर को उससे मैच कैसे करा देता? मेरे को एक चीज ये बताओ, आप कह रहे हो जी बच्चों ने ये कर दिया OMR शीट पे, जो आप OMR शीट पे सपोज करो 1 को किसी ने 9 बना दिया तो वो उसी तो रोल नंबर पे उसको अपलोड करेगा 9 वाले पर ही। लेकिन जब बच्चा अपना रियल सही रोल नंबर डाल रहा है, एप्लीकेशन नंबर 1 डाल रहा है उसका, है 1 डाल रहा, तो उस पे 9 वाली की कैसे डिस्प्ले हो सकती है? सिस्टम उसको कैसे ले लेता 9 वाली को? खुद बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं बच्चों ने किया है, बच्चों ने नहीं किया है। और एक बच्चा कर सकता था, दो कर सकता था, क्या इतने सारे बच्चे इसको चेंज कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ये कंप्लेंट है। कुछ पेरेंट्स बहुत दूर दूर से हैं। अभी आज मेरी एक पेरेंट्स हैं पुणे से, उनसे बात हो रही थी, उनकी भी सेम प्रॉब्लम यही है। एक पेरेंट्स करनाल से हैं, हरियाणा से, उनसे बात हो रही थी, उनकी भी सेम प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो जिन बच्चों की इस टाइप की प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे बच्चे, मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल दिया, उसको फिल करें और प्रॉब्लम बताएं। अभी हो सकता है कि ट्यूसडे मीन्स परसों, ठीक है, एनटी ऑफिस में या एजुकेशन मिनिस्ट्री से इसको लेके एक मीटिंग होने वाली है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। करनाल वाले जो पेरेंट्स इवन एनटीए में गए हैं और एनटीए एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ एक एप्लीकेशन लिखो, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे क्या हो रहा है यार आप लोगों के साथ। तो जिन बच्चों को भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, आपकी OMR शीट जो आपने रियल में थी, आपके रोल नंबर मैच नहीं कर रहा, रोल नंबर में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों के क्या है, बहुत सारे बबल्स कर दिए बेकार में, पता नहीं किसने कर दिए, बच्चा तो नहीं करेगा यार। तो जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम जिन बच्चों की, वो इस गूगल फॉर्म को भरें, उनकी प्रॉब्लम हम बिल्कुल एनटी के सामने उठाएंगे, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी उठाएंगे, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्ट्री मिनिस्टर सर से भी मिलने का टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं बच्चों, अरे बेवकूफो, जब तुमसे बीतती है ना, ये इंडिया के अंदर साला सबसे बड़ा कमी तो ये है ना, जब हमारे यहाँ छुरा चलता है ना तब भी हम हड़बड़ाते हैं, अदरवाइज चुप बैठे रहते हैं, तमाशीन बोलते हैं। अरे इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, इनका सभी साथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें ताकि जो आपके साथ प्रॉब्लम, बाकी बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नीट के जो कॉलेजेज हैं या जेई के जो कॉलेजेज हैं, उसके हम फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग दे रहे हैं, फ्री में। जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका सारथी के नाम से एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हम गाइड कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना आप लोगों का सिलेक्शन ना होना, वो प्रॉपर गाइडेंस की वजह से होता है, ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। चलिए, जय हिंद जय भारत।